हाय, नमस्कार। मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा। आज फिर मैं आपसे अपने दिल की बात अपने मन से करूंगी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे समानता के ऊपर, जो हमारे जीवन में हमारा पहला धर्म है। दोस्तों, जब हम समानता की बात करते हैं तो हमारी सोच, हमारी विचारधारा वैसे ही होती है। हम अपने आप को जिस तरह से अपने समाज में, अपने लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं, सच तो ये है कि हमें वास्तव में वैसा ही होना चाहिए और बनने के प्रयास हमेशा करने चाहिए, क्योंकि हर एक दिन हमारे पास नया होता है और अच्छा इंसान और अच्छा इंसान और एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समानता, भेदभाव रहित जीवन। तो दोस्तों, समानता के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आप भी समानता के बारे में सोचिए। आप सब समझते हैं, लेकिन हम सब चर्चा अवश्य करें, ये हमारे लिए, हमारे भविष्य और देश के लिए अति आवश्यक है। हमें अपना ये कर्तव्य अवश्य निभाना होगा। हमारे देश में शासन प्रशासन और समाज के द्वारा अक्सर समानता पर बातें की जा रही हैं। समानता के लिए उदाहरण और प्रयास की जिक्र, प्रयास की बातें अक्सर देखने में मिलती हैं। लेकिन समानता तभी संभव है जब शिक्षा के द्वारा हर तरह से समानता हो। जब शिक्षा में समानता होगी, विद्यार्थियों के जब यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनकी शिक्षा प्रणाली, उनके शिक्षक, उनकी स्कूल की टेबल, चेयर, इमारतें जब सभी समान होंगी, तभी समानता की बात हम कर सकते हैं। तभी भविष्य में समानता के बारे में हम सोच सकते हैं। समानता को लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हर वर्ग के विद्यार्थी, स्टूडेंट्स समान रूप से स्कूल में यूनिफॉर्म, वहाँ ब्रेकफास्ट, उनकी बुक्स, उनकी हर चीज़ समान होगी। वहाँ पर शिक्षा देने का ढंग, शिक्षित होने का ढंग जब हर वर्ग में समान होगा, तभी हमारे बच्चों के सोच व्यवहार में समानता होगी और तभी हमारे देश में समानता आने वाले समय में देखी जा सकती है। जब तक प्राथमिक रूप से ये कार्य नहीं किया जाता, जब तक इसके प्रयास नहीं होते, इसकी शुरुआत नहीं इस रूप में की जाएगी, समानता असंभव है। समानता तब तक असंभव है। शिक्षा प्रणाली में समानता आनी चाहिए, उसके प्रयास करने चाहिए और उन प्रयासों को साकार करना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सही सोच, सही दृष्टिकोण और हमारे व्यवहार आचरण को एक सही गति प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा की तरफ समानता का माध्यम जरूर बनना अति आवश्यक है और ये प्रयास शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। हमारे देश के भविष्य में समानता के प्रति जागरूक होना हम सबका कर्तव्य है, शासन प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य। जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं और शुरुआत हो जाती है, वहीं से उन्हें भेदभाव के व्यवहार, भेदभाव की बातों की समझ आने लगती है। सबसे पहले तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फीस वाले स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करता है, तो किसी की शिक्षा कम पैसे में या उनकी क्षमता के आधार पर, फीस के आधार पर शिक्षा बच्चे लेते हैं। लेकिन शिक्षा का माध्यम,
शिक्षा प्राप्त करने में समानता होनी अति आवश्यक है। ये जो ऊंच नीच भेदभाव की बात बच्चों की सोच में, बच्चों के जीवन में, बच्चों के दिल में जो बैठ जाती है, तो ये भविष्य में समानता के दृष्टिकोण को समानता कैसे प्रदान कर सकता है, इसके लिए आवश्यक है हमारी सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। बच्चे छोटे छोटे भोले भाले होते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा मासूम होती है, वो प्योर होते हैं। उनके विचारों में भेदभाव, अमीरी गरीबी का कोई गुण ही नहीं होता। हाँ, हमारा समाज, हमारे लोग उन्हें बहुत ही जल्दी ये सब चीजें सिखा देते हैं। यही एक कारण है कि बड़ा आदमी, छोटा आदमी, धनी गरीब, बड़ा पद छोटा पद, कितना ये एक गहरा सवाल है जो शर्मिंदगी पैदा करता है इंसान के जीवन में। इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है जब आप अमीर को सम्मान देने लगता है, गरीब को छोटी दृष्टि से देखता है, अमीर के लिए लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और गरीब को इस तरह से व्यवहार किया जाता है जैसे वो बहुत ही तुच्छ चीज है। कभी आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, इंसान को किसने बनाया? ईश्वर ने। इंसान ने इस दुनिया में कौन लेकर आया? इंसान ने क्या अपनी मर्जी से माता पिता चुने? आखिर हमें ये समझना होगा। हमारी सरकार को, हम सब लोगों को समानता के लिए लड़ना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी और हम सबको अपने व्यवहार में, अपने सोच में, अपने आचरण में परिवर्तन लाना ही होगा। आज से ही, अभी से ही हम पक्षपात ना करें, किसी गरीब के साथ, किसी अमीर के साथ सबको सम्मान दें। देखिए, इस दुनिया में सभी का तो जन्म होता है, सभी को उसकी माँ जन्म देती है। माँ के हर बच्चे दिल के टुकड़े होते हैं। माँ कैसे कह दे कि मेरा बेटा छोटा है, छोटी दृष्टि से देखो, मेरा बेटा धनी है, आप लोग इसे उच्च दृष्टि से देखना। ये माँ कभी नहीं सोचती। हर माँ के लिए बेटा एक समान होता है। जब हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हर एक के साथ सम्मान करना, प्रेम करना, स्नेह करना और भेदभाव की भावना को दूर रखने के लिए प्रयास करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं जो ये सिखाते हैं बच्चों को कि वो वहाँ बैठेगा, वो नीचे बैठेगा, उसका आदर करो, उससे कह दो वो तुम्हारा काम कर देगा क्योंकि वो तुमसे छोटा है, प्लीज अपने बच्चों को ऐसा ना सिखाएं। हम इंसान सभी समान हैं। हमारे भेदभाव हमारी सोच में हैं। हमारी सोच उत्तम क्यों नहीं? हम छोटा क्यों सोचते हैं? हम छोटे छोटे ढंग से, छोटा छोटा सोच के अपने कर्मों को छोटा क्यों बनाते हैं? देखिए, सभी के सांसें हैं, सभी के शरीर में खून की धारा बहती है, सभी तो अपनी माँ के लाडले हैं, सभी धर्म के, सभी ईश्वर अपने भक्तों को समान प्रेम करते हैं। क्या कभी आपने देखा कि कोई ईश्वर ये कह दे कि मैं धनी को ही प्यार करता हूँ? क्या किसी धर्म में ऐसा लिखा है? आप ही सोचिए। मजहब ने हमें कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाया। फिर हम इंसानियत के मजहब को क्यों भूल जाते हैं? हम मानवता के धर्म को क्यों भूल जाते हैं? जब हमारी शिक्षा अच्छी है, जब हमारे माता पिता ने हमें संस्कृति और संस्कार दिए, जब हमारे शिक्षकों ने हमें ज्ञान दिया, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम
आज को समझते हैं, जब हम भविष्य की दूरदृष्टि को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आखिर हमारी सोच, हमारी समझ क्यों नीचे गिर जाती है? प्लीज ऐसा ना करें। छोटा बड़ा ये समय की बात है। कहते हैं ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो वो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, वो तुम्हारे पद, तुम्हारे पावर या तुम्हारी उस स्थिति का सम्मान कर रहा है जो तुम्हारी आज है। लेकिन दोस्तों, मैं तो ये कहती हूँ, सम्मान एक दूसरे का समान रूप से करें। मेरा तो ऐसा मानना है कि ऊंच नीच नहीं, प्रेम। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब, ऐसा नहीं। हम सब इस दुनिया में आए हैं और हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। जब हमें पता है, बहुत से लोग कहते हैं, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा दूसरों को कहते हुए, और कभी कभी शायद आप लोग भी ऐसा कहते होंगे कि ये सब जो हो रहा है हमारी खुद के कर्मों का फल है। तो जब इंसान ऐसी बातें करता है कि ये सब हमारे शायद कर्मों का फल है, या जो कुछ हुआ है शायद पुराने जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, तो दोस्तों, जब ये बातों को हम सुनते हैं, ऐसी बातें हम अक्सर करते हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें आज अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी सोच, अपनी समझ अच्छी रखनी है। फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जो हम व्यवहार कर रहे हैं, आने वाले समय में उसका फल हमें मिलेगा। कहते हैं ना, प्रकृति के निश्चित और सुनिश्चित नियम हैं। हम जो दूसरों को देते हैं वो कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट करो तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो फिर क्यों ना हम सबसे प्रेम करें, फिर क्यों ना हम सबका आदर सम्मान करें, फिर क्यों ना हम मानवता के जीवन को अपनाते हुए अपने इस मानव जन्म के अर्थ को सार्थक करें। हम क्यों छोटे हो जाते हैं, हम क्यों अशिक्षित बन जाते हैं, जबकि कमी कहीं नहीं है। हमारे अपने परिवार ने हमें सिखाया, हमने अपने संस्कृति संस्कार पढ़े समझे, लोगों ने बताए और हमने खुद भी मेहनत की, हमारे शिक्षकों ने हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमने जीना सीखा, तो फिर हम कहाँ गड़बड़ कर देते हैं, हम कहाँ गलती कर देते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि मानवता सर्वोपरि, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, हम सब एक हैं। देखिए ना, जब हम बीमार हो जाते हैं, कभी कभी किसी भी कारण से हम लोगों को ब्लड बैंक से ब्लड लेना पड़ता है, तो क्या कभी हम सोचते हैं कि ये गरीब का खून है या अमीर का? नहीं ना। फिर हमारी ये सोच कैसे? उस समय हमारा सिर्फ एक ही अभिप्राय होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारे लोगों की जान बचना जरूरी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, और उसके लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। मैंने तो कई वर्ष पहले न्यूज़पेपर में एड भी देखे थे कि इस ब्लड की जरूरत है। तो सोचिए, जान बचाने के लिए हमें उस समय उस ब्लड की जरूरत है। उस समय हम जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखते। फिर हमारी सोच में ये असमानता कहाँ से आ जाती है? समानता, हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के साथी सहयोगी हैं, तभी हम एक दूसरे के कर्तव्य को अपने अपने आधार पे निभाते हैं, और एक दूसरे का साथ हमारा समाज हम सब से मिलकर बनता है। किसी एक से क्या समाज बनता है? क्या कोई शहर, क्या कोई
एरिया, क्या कोई राज, कोई देश एक से बनता है? नहीं, समूह से बनता है, यूनिटी से बनता है, एकता से बनता है, असंख्य संख्या से बनता है। दोस्तों, इस असंख्य संख्या को समानता के रूप में देखिए। आप सोचिए ना, जब हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े भी बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पद हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो कभी आपने सोचा है जिन शिक्षकों ने हमें शिक्षा दी वो उसी पोजीशन पर होते हैं जहां पर वो थे, जो उन्हें तनख्वाह मिलती है, जो वो उसमें खर्चा चलाते हैं, उसमें जो बचा पाते हैं उनका जीवन काल, और हम उनकी दी हुई शिक्षा से बड़े बन जाते हैं। तो क्या हम अपने शिक्षकों को छोटा समझेंगे? नहीं ना। तो फिर इसी तरह से एग्जाम्पल लीजिए कि हमें समानता के सोच, समानता का व्यवहार अपने जीवन में दिन प्रतिदिन हमें बनाए रखना होगा, और इस भावना को हमें अपने बच्चों, अपने समाज, अपने परिवार को सिखाना होगा, और हमें आवाज बुलंद करनी होगी। जब हमारे शासन प्रशासन के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, समानता की बात करते हैं, अमीरी गरीबी के भेदभाव को मिटाने की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ भाषण होती हैं, वो बातें चंद समय का एक ऐसा प्रभाव होता है जिनकी बातों में आकर ओत प्रोत होके जनता बह जाती है। भाई, हमने तो अपने प्रतिनिधि का चुनाव उनकी बातों से किया था, फिर वो बातें कहाँ गुम हो गई? हमें आवाज बुलंद करनी है, हमें लिखना होगा, हमें बोलना होगा, हमें चर्चा करनी होगी, हमें आपस में खुद फैसला करना होगा कि हमें समानता के लिए, समानता के लिए हमारे कर्तव्य हैं, हमारा खुद का उत्तरदायित्व है कि हमें खामोश नहीं रहना है। ये हमारी या आपकी बात नहीं, ये हमारे देश की भविष्य की बात है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। दोस्तों, इस दुनिया में हम इंसानों का, हम आम जनता का भी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति कर्तव्य होता है, और हमें इस कर्तव्य के धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। इस समाज ने हमें रक्षा दी, हमें सुरक्षा दी, हमें जो चाहिए हमें समाज से मिलता है, तो उस समाज को एक अच्छी रूपरेखा, एक अच्छी दूरदृष्टि के साथ भविष्य में समानता को बनाए रखने के लिए हमें एकता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और शिक्षा प्रणाली से शुरुआत होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा, प्रारंभ की अवस्था हमारे भविष्य को सुनहरा, सुदृढ़, मजबूत, सशक्त और संपन्न बनाती है। धन की संपन्नता नहीं, विचारों से, सोच से, और आने वाले समय में हमें ये संदेश देना है, जब हम इस तरह से सोचेंगे, बातें करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, तो ये आने वाले भविष्य में हमारे जो भविष्य में बच्चे हैं, जिनके कांधों पर हमारे भविष्य का बागडोर टिकी हुई है, जिनके कांधे पर हमारे देश के भविष्य की बागडोर टिकी हुई है, हमें अपने उन बच्चों को तभी शिक्षित और समानता की बात कर सकते हैं। संपूर्ण शिक्षा तभी होगी जब स्वस्थ सोच, स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ समानता के भेदभाव, समानता की बातें होंगी, समानता के व्यवहार होगा, समानता की जीवन शैली होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ मैं ना बोलूँ, आप लोग मेरी बात को सुने, समझे, विचार करें, और आपको लगता है कि जो बात मैं आपसे कर रही हूँ वो सही है, अगर आपको मेरी बातों के अर्थ की मजबूती और गहराई समझ में आ रही है, तो प्लीज़ समानता के ऊपर खामोश ना रहें, बोले ये हमारा अधिकार है, मानवता का अधिकार है, इंसान का अधिकार है, हमारे देश के
भविष्य का ये अधिकार है। तो दोस्तों, आप लोग हमको सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, कुछ अपनी विचारधारा अवश्य लिखें। आप मेरे परिवार हैं और मैं आपके परिवार की सदस्य। मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा आपका अटूट संबंध, हमारा अपना भारत परिवार। तो फिर आज फिर मैं आपके अपने दोस्त पायुषा से आप सबसे गुड बाय कहूँगी और मैं कहूँगी फिर से हम मिलेंगे एक नई सोच, एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय मां भारती, भारत माता की जय हो। टेक केयर योरसेल्फ, अपनी फैमिली और आप अपना ख्याल रखिएगा। मास्क लगाना फिर से शुरू कर दीजिए। बाय।